हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ हेलीकॉप्टर जॉय राइड मनाली टू रोहतांग। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं इसमें सारी डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि आप भी इस राइड को कैसे कर सकते हैं। मनाली में एक रिजॉर्ट है मनु आल्या, पहले ये अम्बेसडर रिजॉर्ट से फेमस था। यहीं से हमारी राइड स्टार्ट होती है। लेकिन मैं दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। दोस्तों, हम सभी हेलीकॉप्टर में बैठ गए हैं। ये है मेरा बेटा देवांश, जो कि काफ़ी एक्साइटेड और बहुत ही खुश है। इसने अपने पापा से फाइट भी की कि नहीं, मुझे फ्रंट सीट पे ही बैठना है। हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए रेडी हो गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड द राइड। और ये टेक ऑफ हो चुका है। और ये जो आपको रिजॉर्ट दिख रहा है नीचे, ये जो बिल्डिंग है, ये मनु आल्या रिजॉर्ट ही है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, इसलिए मेरा कैमरा थोड़ा शेकी हो गया था, सॉरी फॉर दैट। हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिख रहा है। और ये है मेरी बेटी वीरा, वो भी काफ़ी एक्साइटेड है। और ये है कैप्टन जेरी, जो स्विट्जरलैंड से आए हैं। इन्होंने हमें इस पूरे राइड में पूरी डिटेल जानकारी दी है। जहाँ पे भी जो इन्हें जानकारी देनी थी, हमें सारी बातें बताई है इन्होंने। इन्हें थोड़ी सी हिंदी भी आती है। और इन्होंने हमें सारे पहाड़ों के नाम भी बताए हैं। जितने भी पहाड़ रास्ते में पड़ रहे हैं, सारे के नाम इन्हें अच्छे से याद हैं। दोस्तों, हम धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, बिल्कुल सफ़ेद चादर से दिख रही है। और बहुत तेज़ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। मेरे बेटे ने बहुत सारे सवाल पूछे कैप्टन से, और कैप्टन ने सारे के जवाब दिए भी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये जो सेवन पीक्स आपको दिख रहे हैं पहाड़ों के, ये सेवन सिस्टर्स हैं, जो कि बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई हैं। ये हिमालय के सेवन सिस्टर्स हैं। बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और नीचे आपको जो पतली सी लाइन दिख रही है, वो व्यास नदी बह रही है। अब हम धीरे धीरे रोहतांग की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत ही अमेजिंग व्यू हमें देखने को मिला नेचर का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। अगर आप मनाली आते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस राइड को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही यादगार आपके लिए एक्सपीरियंस होगा इसका। और दोस्तों, अब हम धीरे धीरे और ऊंचाई पे जा रहे हैं। बिल्कुल पहाड़ की पीक पे हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पूरी पहाड़ बर्फ से ढकी हुई है, एकदम सफ़ेद चादर। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। और ये जो आप इस पे लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं स्कीइंग करने, जो स्कीइंग में एक्सपर्ट होते हैं। ये जितनी भी लाइनिंग आपको बर्फ़ पे दिख रही है, यहाँ पे लोग आते हैं स्कीइंग करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। मैं किन शब्दों में तारीफ करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है सब कुछ, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्कीइंग की लाइनिंग आपको दिख रही होगी, जो लोग स्कीइंग करने यहाँ आते हैं। और ये आपको जो पतली सी बांस दिख रही है, यहीं पे हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हेलीकॉप्टर को इन्होंने स्नो पे ही लैंड कराया। लोग आते हैं यहाँ पे, बाहर भी निकल के जाते हैं। कैप्टन ने हमसे बोला कि आप चाहें तो आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ बच्चे भी थे, बहुत ही रिस्की हो जाता। अगर थोड़ा सा भी बर्फ स्किड करती तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता, इसलिए हमने बाहर ना निकलने का ही डिसीज़न लिया। लेकिन मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, वो बार बार बोला था नहीं, हमें बाहर जाना है। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी थी और सेफ्टी के नाते हमने बाहर निकलना उचित नहीं समझा। अब हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ से फिर से टेक ऑफ ले चुका है। और ये जो भी आपके सफ़ेद बर्फ से ढकी हुई पहाड़ दिख रहे हैं, ये सब रोहतांग के आसपास के ही पहाड़ हैं। आप फिर से देख सकते हैं स्कीइंग की कितनी लाइनिंग यहाँ बनी हुई हैं। यहाँ लोग बहुत ही शांति
से स्कीइंग करते हैं, जो स्कीइंग में एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। फॉरेनर जो स्कीइंग के लिए आते हैं वो यहीं पे आते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा आपको दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। हमने बहुत ही इंजॉय किया, एकदम रूई जैसे बर्फ़ आपको दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस पहाड़ पे भी बहुत से लोगों ने स्कीइंग की है, आप देख सकते हैं। हमारा हेलीकॉप्टर रोहतांग के ऊपर से गुजरते हुए जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है ये, बहुत ही प्यारा। कैप्टन जेरी हमें फिर से कुछ बता रहे हैं, सॉरी दोस्तों मुझे इसमें नहीं याद है उन्होंने क्या क्या नाम बताए थे पहाड़ों के, मैं भूल चुकी हूँ। और अब हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हेलीकॉप्टर से मनाली का, हम मनाली पहुंचने ही वाले हैं। अब आपको नीचे ये जो नज़ारा दिख रहा है ये मनाली का ही है, मनाली हम पहुंच चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये है मनाली का नज़ारा जो कि बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और आपको सफ़ेद पहाड़ भी दिख रहे होंगे बर्फ़ से ढके हुए, यहाँ पे बहुत सारी हरियाली आ चुकी है क्योंकि इस समय मनाली में बर्फ़ नहीं है, ये मार्च लास्ट टाइम चल रहा है। साथ में आपको व्यास नदी भी दिख रही होगी, जो एकदम पतली सी लाइन थी वो है व्यास नदी, शायद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और ये मनाली के रोड के किनारे सारी पार्किंग है, सारे घर हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा है। मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। अब हम पहुंच चुके हैं लैंडिंग के लिए मनु आलिया रिजॉर्ट पे फिर से, अब हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा है। और ये दोस्तों ये एक और क्लिप है जब हमारा हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था। दोस्तों ये मनु आलिया रिजॉर्ट मनाली में है, जब आप मनाली आए, मनाली से जो सोलांग वैली को रोड जाती है उसी रोड पे ये मनु आलिया रिजॉर्ट है। आप यहाँ पे आके रिसेप्शन पे आप पता करके अपनी हेलीकॉप्टर राइड की टाइमिंग को बुक कर सकते हैं, पूरी डिटेल जानकारी आपको वो देंगे कि किस टाइम पे आपका हेलीकॉप्टर राइड के लिए रेडी होगा और किस डेट पे आप जाना चाहते हैं, सारी डिटेल जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी और फिर आप इस राइड का इंजॉय ले सकते हैं। दोस्तों आपको ये हेलीकॉप्टर राइड की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मनाली आएँ तो इस राइड को अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा और अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा।